हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। देखो यार, अगस्त का महीना इलेक्ट्रिक फील्ड की दुनिया में एक क्रांति साबित हुआ है। ओला ने जहां पर अपने S1 ईयर मॉडल को लॉन्च किया और अपने बाइक को लॉन्च किया, और TVS ने अपने नए मॉडल को लॉन्च किया, एथर ने भी लॉन्च किया, उसी के बीच में एक नई कंपनी उभर के सामने आई है, रिवर इंडी। इसका भी भाई गजब का जबरदस्त इन्होंने अपना इलेक्ट्रिक स्कूटर निकाला है, जिसको तुम देखोगे, इसकी स्पेसिफिकेशन को देखोगे यार, तुम्हारे मुंह से निकलेगा वाह क्या गजब का बाइक बनाया इन्होंने। तो चलो यार, हम इनके एक एक स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं। अब देखो, सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे बिल्ड क्वालिटी। देखो जो बिल्ड क्वालिटी है, यहाँ पर देखो, अभी तक जितने भी इलेक्ट्रिक स्कूटर निकले हैं, आप इधर साइड में देखो, साइड में आप कोई भी लोड रखने के लिए किसी ने भी फंक्शन नहीं दिया था, लेकिन जो रिवर इंडी है इसमें देखो क्या दिया, लॉक लोड, एक माउंट आप यहां से कर सकते हो, पैनियर माउंट, जिसमें आप अपने सामान को इजीली आप ढो सकते हो, कहीं पे ले जा सकते हो। देखो ये डिटैचेबल है, आप इसको लगा भी सकते हो और निकाल भी सकते हो। और यहां पर देखो अलॉय फ्रंट फुट पेक्स दिया है, यानी ये जो तुम्हारा पैडल दिया है, ये तुम्हारा जो पैर रखने वाला जो सिस्टम है पूरा अलॉय का है, आप इसमें इजीली आप कंफर्टेबल फील कर सकते हो। ये काफी लोग मजबूत बनाए हैं, इसमें सेफ्टी का भी ध्यान दिया गया है। देखो अल्ट्रा फ्लैट फुटबोर्ड टू दी मैक्स, पुट योर फीट अप एंड राइड विदाउट कंप्रोमाइजिंग सेफ्टी और कंफर्ट, यानी काफी अच्छा डिजाइन देखने को मिल रहा है इनकी तरफ से। ऐसा भी अब अन इलेक्ट्रिक स्कूटर में, देखो मैं खुद इलेक्ट्रिक स्कूटर ओन करता हूँ हीरो का, उसमें आपको ऐसा फीचर हमको देखने को नहीं मिला है। अब यहाँ पर देखो ये फ्रंट में यार गजब का दिया, यहाँ पर देखो आप यहाँ पर 12 लीटर तक का सामान रख सकते हो, और यहीं पर तुम्हारा USB चार्जर इन मोबाइल वोबाइल भी अपना लगा के तुम रख सकते हो। तो ये काफी एक अच्छा फीचर देखने को मिला है इसमें। और देखो बात कर लेते हैं यार, देखो यहाँ पर डिग्गी जो तुम्हारा दिया है ना, ये यहाँ पर 43 लीटर का जो तुमको देखो सीट के अंदर का स्टोरेज है 43 लीटर का है, जिसमें आप देखो लार्ज इनफ टू स्टोर 2 हेलमेट विद ईज, आसानी से आप 2 हेलमेट यानी फुल हेलमेट तुम आसानी से रख सकते हो। देखो रूम फॉर द एक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड, यार इतना कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं कर सकता, अन इलेक्ट्रिक स्कूटर निकला है उसमें लोग क्या करते हैं, तुम 2 हेलमेट रख सकते हो वो भी हाफ वाले, लेकिन इन्होंने तो यार कमाल कर दिया, 2 फुल साइज के हेलमेट तुम इसमें रख सकते हो। और देखो यार यहाँ पर ये देखो क्या लिखा है, डुओटोन कलर स्कीम, यानी इसमें आप एक ही गाड़ी में आप देखो 2 कलर के पैटर्न देखने को मिलेगा, देखो ब्लैक और उस पर देखो तुम्हारा क्या है, यहाँ पर एक रेड का सिस्टम देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देखो इन्होंने हैंडल पर अलॉय क्लिप लगाया, जिससे आपको चलाने में काफी रिलैक्सेशन फील होगा। तो काफी एक इनका भी एक बेहतर इन्होंने एक मॉडल लेकर आया है, इसको आप देख सकते हो। अब देखो यहाँ पर ये इनका जो लाइट है, ये यार गजब का देखो लाइट है, ये है तुम्हारा प्रोस्टेट ट्यूब टेल लाइट, इनमें अंदर कोटिंग होता है जो इन बार्स पड़ने वाले लाइट को डिफ्यूज कर देता है, तो इवन इसको तुम बहुत इजीली देख सकते हो। ठीक है, इनका जो बिल्ड क्वालिटी है देखो काफी अच्छा है, जिससे तुम यानी नैरो लेंस यानी पतले जगह में भी तुम आसानी से लेके जा सकते हो। ठीक है, इंडिया के रोड का हालत तो जानते ही हैं आप लोग। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखिए आप, जो टायर है इनका 14 इंच का अलॉय व्हील दिए हैं लोग। ठीक है, 14 इंच का, जो कि काफ़ी मतलब स्कूटी के हिसाब से तो बड़ा ही है, आपको फिसलने का डर एटलीस्ट थोड़ा तो कम ही रहेगा नॉर्मल स्कूटी से। ठीक है, और यहाँ पर देखो फ्रंट में भाई सब इन्होंने दिया है टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिया है, जो अच्छा माना जाता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये रियर, ठीक है ये रियर में जो दिया है रियर, पीछे इन्होंने ट्विन हाइड्रोलिक रियर सस्पेंशन दिया है, जो शॉक ऑब्जर्व करने के लिए किसी भी टाइप के रोड में अगर आप चलोगे तो आपको एटलीस्ट कंफर्टेबल तो फील देगा ही देगा। ठीक है, और यहाँ पर देखो सीट, देखो यार सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है सीट, जितना वाइडर सीट होगा उतना ही कंफर्टेबल आपको फील होगा, गाड़ी चलाने में आपको मजा आएगा। तो इर्गोनॉमिकली ये डिजाइन किया गया है, आप इसका शेप देख सकते हो, बहुत बेहतरीन शेप इन्होंने लाया है। और यहाँ पर देखो ये जो फुटबोर्ड है, ये 20 इंच का आपको फुटबोर्ड मिलेगा, जहाँ पर आप इजीली अपना गैस सिलेंडर हुआ कोई भी सामान आप आसानी से डे टू डे लाइफ का जो भी स्टेप होगा आप उसको इजीली कैरी कर सकते हो। 16 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है भाई साहब,
यानी अगर बरसात वरसात के मौसम में देखो हल्का फुल्का भी पानी होगा तो गाड़ी से टच होने वाला नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल में लोगों को लगता है कि पानी चले जाने से बैटरी मोटर को प्रॉब्लम हो सकता है, तो ये सब दिक्कत को इन्होंने ध्यान में रखा है। और अब हम बात करते हैं, देखो यहाँ पर क्या लिखा है कि प्लग इन टू डू मोर, यानी यहाँ पर देखो दो आप इस तरीके से स्टोरेज लगा सकते हो, ये भी डिटैचेबल है अगर आपको सामान मान लो कहीं पे ले जाना है, ठीक है, जिसका 40 लीटर का कैपेसिटी है, आप इजीली गाड़ी में अपना अटैच करें, अपने सामान को कैरी कर सकते हैं। आप देखो ये तुम्हारा ये जो ये डिस्प्ले है, यहाँ से आप अपने फोन को भी क्या कर सकते हो, यहाँ पर फोन होल्डर भी है, अपना आराम से वहाँ से फोन को होल्ड करके इजीली आप ड्राइव कर सकते हो, ठीक है, तो फोन होल्डर भी इनमें कमाल का एक फीचर दिया है। यहाँ पर देखो लिखा है प्रोटेक्टिव विंडशील्ड, यानी हवा से बचने के लिए, ठीक है, जो डस्ट पार्टिकल आंख में ना जाए उन सबों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर देखो एक प्रोटेक्टिव शील्ड दिया है, जो कि अच्छा बात है। यहाँ पर देखो दिया है डिटेचेबल फ्लोर केज, इसको आप लगा भी सकते हो अगर आपको हो सकता है सामान मान लो कुछ लेके जाना हो जैसे गिरने उने का डर हो, तो उसको आप इसको लगा सकते हो और बाद में इसको हटा भी सकते हो, तो एक एक अच्छा डील है। अब यहाँ पर देखिए एक इस तरीके का इन्होंने बॉक्स प्रोवाइड कर किया है जो 25 लीटर की इसकी कैपेसिटी है, ठीक है, किसी भी मौसम में आप इसको आसानी से कैरी कर सकते हो, ठीक है। और देखिए भाई IP67 रेटिंग, यानी देखो वाटर प्रूफ, डस्ट प्रूफ, ठीक है, यहाँ पे मोटर कंट्रोलर बैटरी इस सब के लिए इन्होंने जो रेटिंग है इसका IP67 है, जो कि आपको वाटर रेजिस्टेंस और ये धूल धक्कड़ से बचाने वाला हो, ठीक है, तो IP67 जो रेटिंग होता है काफी अच्छा रेटिंग माना जाता है। 5 साल का वारंटी इन्होंने दिया है बैटरी पे, या तो आप 50,000 किलोमीटर अब चलाते हो, इन दोनों में जो पहले आएगा, ठीक है, अपना वारंटी है। इस गाड़ी को इन्होंने खुद 1,00,000 किलोमीटर चलाकर इन्होंने खुद टेस्ट किया है सारे कंडीशन में, ठीक है, सारे कंडीशन में इन्होंने चला के खुद देखा है। अब हम बात कर लेते हैं इसके कुछ स्पेसिफिकेशन की, जो कि एक किसी भी गाड़ी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट वही होता है स्पेसिफिकेशन। तो इसका जो एक्चुअल ट्रू रेंज है वो 120 किलोमीटर का क्लेम ये लोग कर रहे हैं, टॉप स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर का है, जो कि अच्छा है, ठीक है। एक्सेलरेशन इसका देखो 3.9 सेकंड में 0 to 40 किलोमीटर पर आवर का ये लोग स्पीड क्लेम कर रहे हैं। इसमें जो मोटर है काफ़ी अच्छा मोटर है, 6.7 किलोवाट का पीक पावर प्रोवाइड करेगा। इसका जो मैक्सिमम टॉर्क है 60 न्यूटन मीटर, अब टॉर्क जान ही रहे हो, टॉर्क जितना अच्छा रहेगा, जितना ज़्यादा रहेगा स्पीड ही उतना ज़्यादा आपको मिलने वाला है। इसमें देखो राइडिंग मोड भी आपको 3 मिलने वाले हैं, इको, राइड एंड रस। इको भाई अपना एक नॉर्मल मोड है जिसमें हालांकि सब कुछ ही चलाना चाहिए, लेकिन कुछ लोग हैं रस वाले मोड में आपको भाई धूम बन जाओगे, धूम फ्री लगाओ करने। अब देखो ग्रेडिबिलिटी 18 डिग्री ग्रेडिबिलिटी है, तो ग्रेडिबिलिटी का मतलब ये होता है कि आपको ऊंचाई पे जाना हो, ठीक है, उसके लिए एक आपका कंपोनेंट है, पैरामीटर है, जो डिसाइड करता है कि आपकी गाड़ी कितना ऊपर तक जा सकती है, ठीक है, मतलब किस एंगल तक का आपका ढलान है वो बताता है ग्रेडिबिलिटी। तो बैटरी की जो कैपेसिटी है वो 4 किलोवाट आवर की बैटरी है, जो कि अच्छा है। चार्जिंग टाइम भाई 5 आवर्स लगता है, चार्जिंग टाइम 5 घंटा लगता है इसमें। तो अमूमन हर इलेक्ट्रिक बाइक का यही कंडीशन देखने को मिलता है। ब्रेकिंग सिस्टम इन्होंने अच्छा दिया, डिस्क ब्रेक है, कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम है, यानी आगे का पीछे का एक ही साथ लगता है, ठीक है। प्राइसिंग एंड प्री ऑर्डर, इसका जो प्राइस है वो 1,25,000, ठीक है, एक्स शोरूम प्राइस है। अभी अगर इनका भी देखो सेकेंड प्राइस है अपना जो फेम 2 जब कंसीडर करेंगे, ठीक है, तो सेकंड प्राइस ये लोग लॉन्च करेंगे, लेकिन अभी तक उसके बारे में कोई जानकारी देखने को नहीं मिला है। तो यार तुम कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि ये गाड़ी तुमको देखकर कैसा लगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।